वेलकम बैक टू अदर ब्लॉग। तो भाई अभी सीन कुछ ऐसा है, हम लोग जा रहे हैं कराची नेशनल स्टेडियम, पास ही मेरे हाथ में मेरे और हमारे साथ हैं असलम भाई जिन्होंने पास लेके दिया हमें, अब मुफ्ते में जा रहे हैं हम मुफ्ते। तो भाई ये पूरा रोड है कराची का, वो नेशनल स्टेडियम का पूरा पूरा रोड बंद किया हुआ है और सिक्योरिटी भी VIP चल लिया है। यहाँ पे हमें कौन से नंबर गेट पे जाना है? 10 नंबर गेट, हमें गेट नंबर 10 पे जाना है। सिक्योरिटी विक्योरिटी सब टाइट चल रही है यहाँ पे ना। अभी देखें आगे चलते हैं और अंदर जाके देखते हैं क्या सूरत हाल चल रही है, क्या तफरिया उफरी आ रही है नहीं आ रही, देख के चलना पड़ रहा है भाई। हर जगह पानी पानी पड़ा हुआ है, अगर ये ऐसी सिक्योरिटी कराची को दे दें ना तो गारंटी से बोल सकता हूँ जितने भी डकैत है ना सब अपने अपने घरों के अंदर बैठेंगे और जितने भी गैर मकामी है ना सब वापस चले जाएंगे। क्या समझ, सही बात है ना? सही बात है। तो चलें अभी अंदर चलते हैं और अंदर चल के बाकी का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। आए हम गाड़ी में, कभी ऐसा ना हो सामने से दो बंदे आए और बोले लाओ बेटा मोबाइल दो, ईद हो गई और ये मुफ्ता में बहुत भारी पड़ गया। ये बात तो सही बोल रहा था भाई, मुफ्ता भारी पड़ गया, पुलिस भी आ रही है साहब वहाँ बिठा के छोड़ दो। तो भाई अभी हमारा गेट है आगे, यहाँ पर जो सिर्फ 1 से 9 तक के हैं, अभी हम लोग को आगे जाना है, वो सामने गेट है। बड़ी गंदी धूप है यहाँ पे, चश्मा बार बार नीचे आया जा रहा है। नेशनल स्टेडियम की दीवार है, ये नेशनल स्टेडियम की दीवार है, अभी हमें अंदर जाना है। फुहारी है, बहुत गंदी फुहारी है मैच देखना। हाँ हाथ पे, और अगर ये मिट गई फिर कोई मसला नहीं है, टिकट दिखा के वापस अंदर तो बच जाएंगे। तो भाई यही पूछ रहा भाई, फाइनली चेकिंग हो गई यहाँ पे, अंदर चलते नहीं चेकिंग है यहाँ पे, पता नहीं क्यों इतनी चेकिंग। मोबाइल में भाई ऊपर चलते हैं, अब देखते हैं क्या सूरत हाल है। यहाँ कचरा चेक करो आप, माशाल्लाह क्या कचरा है। ऊपर बैठा ऊपर, ऊपर बैठा ऊपर, सीट देखे ना कौन सी है, पूरा खाली पड़ा हुआ है। उसके पास खड़ा हुआ है, चल देख कितने फट रहे हैं। गेम से कैप्टन खेल रहे हैं, तो भाई यहाँ पे न्यूजीलैंड के कैप्टन की सेंचुरी हो गई थी तो उसने साउंड बना लिए थे, तो यहाँ पे सब कराची वाले उसको अप्रिशिएट कर रहे थे, तालियां वालियाँ बजा रहे थे। बाकी जो बातें उसने खेला बड़ा बड़ा प्यारा। और भाई फिर यहाँ पे जो इनका कैप्टन था जिसने 100 की थी फिर वो आउट हो गया, जिसका एज रख के रिजवान भाई ने हमारे कैच कर लिया था तो वो आउट हो गया। तो ये सब लोग बहुत खुश हो रहे थे जो मेरे आगे बैठे हुए थे सारे, और हमारी टीम भी पाकिस्तान की बड़ी खुश हो रही थी। और आप देख सकते हैं ये इनका कैप्टन जा रहा है जिसने अभी सेंचुरी करी थी। चल भाई एक और आउट हो गया, अब कौन गए, अब कौन गए, कॉम लेथन, कॉम लेथन। और भाई यहाँ पे सीन हुआ कि ये जो बंदा है ना, ये लड़का इस जाल के ऊपर से कूद के हमारे जो कीपर रिजवान भाई उनसे मिलने गया और फिर इसको सिक्योरिटी वालों ने पकड़ लिया यहाँ पे। और आप देख सकते हैं इसको मार के लेके जा रहे हैं यहाँ से, और वो भी भागता हुआ जा रहा है और सब मतलब इसको अप्रिशिएट कर रहे थे कि बहुत टाइट किया। फिर इसको यहाँ पे ला के ये धक्का देगा, फिर 2-3 चमाटे भी कराते हैं शायद, फिर इसको पूरा एक ग्राउंड का चक्कर लगवाएगा अभी, और फिर इसको रेंजर्स गाड़ी के अंदर बैठा के बाहर छोड़ के आ जाएंगे कि चले जाओ। बाकी आगे का सीन तो नहीं पता कि इसके ऊपर जुर्माना वुरमाना लगा या नहीं लगा, चालान वालान किया इसका या नहीं किया। बाकी ये पूरे ग्राउंड का इसको एक राउंड दिलवाएंगे यहाँ से,
इसको लेके आ रहे हैं। आउट हो गया भाई, आउट। दो आउट और करा दो बस, दो आउट और चाहिए बस। अभी यहाँ एक सीन हो चुका है, बच्चा जाल कूद के भाग गया। बच्चा जाल कूद के भाग गया, बड़ा गंदा भागा। और फिर उसके चतरौली हुई उसकी, उस गेट से सामने जो गेट है उस गेट से बाहर निकाल दिया उसको। मौसम चेक कर रहे हो ज़्यादा तुम तो भाई। यहाँ पे जितनी भी आवाम है सबने अपने मोबाइल के फ्लैशलाइट ऑन कर लिए थे, क्योंकि कैमरामैन उनको दिखा नहीं रहा था। तो आप देख सकते हैं सामने सब केबिनों के अंदर जितने भी रूम बने हुए हैं सब के अंदर मतलब बंदे अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करके रखे हुए थे, बाकी हमने भी करी हुई थी। तो भाई यहाँ एक बंदा और कूद के आ गया था रिजवान भाई से मिलने, हमारे जो कीपर हैं उनसे मिलने आया था, लेकिन इसके पीछे सिक्योरिटी गार्ड लग गया। तो फिर इसको मतलब वो पकड़ के ले गया और फिर इसको भी ठीक ठाक चंपे का वंपे कराया उसने, बाकी घसीटता हुआ ले गया इसको। बाकी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम देख रही थी कि हो क्या रहा है। तो भाई सीन अभी कुछ ऐसा है, पाकिस्तान को 262 रन चाहिए जीतने के लिए और अभी एक रन भी नहीं हुआ इन लोगों का, स्कोर बोर्ड पे देख सकते हैं आप लोग। और 2 ओवर होने वाले हैं तकरीबन, आवाम काफ़ी आई हुई है। ये प्लेयर बीच में आ गया यार, वक्त आ रहा है न्यूजीलैंड का बंदा। भाई यहाँ पे इनका मैच काफ़ी लंबा चल रहा था और वन डे भी था, तो अभी सिर्फ ओवर इनके शुरू हुए थे, तो भाई हमने सोचा कि भाई अब घर चलते हैं, बहुत लंबा हो रहा है। भाई सीन अभी कुछ ऐसे, हम लोग अंदर बैठे बैठे थक गए थे, तो अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर, बाकी घर जाके पता चलेगा कौन मैच जीता है। तो बस पाकिस्तान के बहुत मुश्किल है, क्योंकि 262 रन चाहिए पाकिस्तान को जीतने के लिए। तो बस आज के ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड, तो मिलते किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़।